नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रही हूं, जिसका प्रयोग करके आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। नंबर एक, दालचीनी का इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। नंबर दो, ठंडे दूध की जगह गर्म दूध पिए, गर्म दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है। नंबर तीन, अगर छोटा बच्चा रात को नहीं सोता है तो उसे सहज चटाएं। नंबर चार, खीरा ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को सांस की बीमारी नहीं होती है। नंबर पाँच, आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती हो तो सलाद में चुकंदर जरूर खाएं। नंबर छह, किशमिश खाने से खांसी नहीं होती है। नंबर सात, पेट में दर्द हो तो अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सेवन करने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर आठ, जीरा खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और साथ ही बदहजमी भी दूर होती है। नंबर नौ, रात में सोने से पहले पैरों की मालिश करने से जल्दी बीमारी नहीं आती है। नंबर दस, पुदीने की पत्तियों को चेहरे पर रगड़ने से स्किन नरम और मुलायम हो जाती है। नंबर ग्यारह, कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाएं, नहीं तो पेट की बीमारियाँ हो जाएंगी। नंबर बारह, यदि गले की खराश खत्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से लाभ होता है। नंबर तेरह, घर में गुलाब का पौधा लगाने से खुशियाँ आती हैं तथा तनाव दूर होता है। नंबर चौदह, चेहरे पर दाग धब्बे और झाइयाँ खत्म करने के लिए नींबू के रस को चेहरे पर लगाएं। नंबर पंद्रह, अगर शरीर से पसीने की बदबू आती है तो गुलाब का अर्क पानी में मिलाकर नहाएं। नंबर सोलह, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं तो अरंडी के तेल में थोड़ा सा मेथी दाना का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं, इससे बाल मजबूत होने लगेंगे। नंबर सत्रह, रोजाना दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। नंबर अठारह, ककड़ी और खीरे के रस का सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। नंबर उन्नीस, चने और जौ की रोटी खाने से इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 20, चेहरे से मेकअप को हटाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप आसानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। नंबर 21, शरीर में पानी की कमी होने पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। ज्यादा पानी पीने से शरीर भी हाइड्रेट रहता है। नंबर 22, दीपक में नारियल का तेल डालने से दीपक लंबे समय तक नहीं बुझता है। नंबर 23, अगर आप अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं, तो आपको शिलाजीत का इस्तेमाल दूध में मिलाकर करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 24, अगर बार बार खांसी उठती है और कफ बाहर न आता हो तो भीगे हुए 3 से 4 बादाम छीलकर इसमें बराबर मात्रा में धागे वाली मिश्री मिलाकर पीस ले। इस मिश्रण को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है और गला भी साफ हो जाता है। नंबर 25, आप अपने शरीर को जितना ज्यादा आराम दोगे उतना ही ज्यादा वो मांगेगा और जितना उससे काम लोगे उतना ही ज्यादा वो करेगा। नंबर 26, रोजाना दही का सेवन करने से व्यक्ति के दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है, वहीं उच्च रक्तचाप, हार्ट से जुड़े हुए रोग और किडनी की दिक्कत होने का खतरा भी कम रहता है, वहीं दही शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने भी नहीं देता है। नंबर 27, जो लोग 2 से 3 अखरोट का सेवन रोजाना करते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम रहता है। भीगे हुए अखरोट ब्लड शुगर को कम करके डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है। नंबर 28, अगर आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पनीर, दही और दूध का सेवन करना चाहिए। नंबर 29, दिल के रोगियों के लिए करेले का जूस बेहद फायदेमंद होता है, यह खून को भी स्वच्छ बनाए रखता है। नंबर 30, कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 31, मूली के 2 चम्मच रस में 4 दाने काले मिर्च के पीसकर मिला दें, फिर इसमें 1 चुटकी नमक मिलाकर सेवन करें, इससे पेट दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 32,
तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर भून लें। इसे रोई के फोहे में लेकर फोड़े फुंसी पर बांध दें। यह प्रयोग रोजाना करने से 2 से 3 दिनों में ही फोड़े फुंसी में आराम मिल जाता है। नंबर 33। दोपहर के समय सुस्ती और शरीर में थकावट ज्यादा महसूस होती है। जब तक लेट ना जाए चैन नहीं आता है, इसलिए दोपहर को सलाद में खीरा ज्यादा खाएं। इससे सुस्ती दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 34। 3-4 पत्तियां तुलसी की, 3-4 दाने काली मिर्च और 2 लौंग, इन सबको पीसकर सेवन करने से सिर दर्द में राहत मिलती है। नंबर 35। गुर्दों की सफाई के लिए तरबूज और धनिया का जूस पिएं। नंबर 36। रोजाना दही में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा मिलाकर खाएं। इससे पेट हमेशा ठीक रहेगा। नंबर 37। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा कम होने लगता है। नंबर 38। जो लोग मोटापा की समस्या से परेशान हैं और अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, वो रोजाना खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस डालकर पिएं। इससे आपके पेट की चर्बी, आपका वजन और आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। नंबर 39। डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश दूर होती है। नंबर 40। मोटी इलायची यानी कि बड़ी इलायची का पानी उबालकर पीने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नंबर 41। खाना खाने के बाद अगर गैस की दिक्कत हो जाती हो तो 1 टुकड़ा नींबू के अचार का खाएं। इससे पेट में गैस की दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 42। सुबह खाली पेट 1 गिलास सादा गुनगुना पानी पीने से शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे पेट की सफाई भी हो जाती है और दिन भर शरीर हल्का महसूस होता है। नंबर 43। रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है और याददाश्त भी तेज होने लगती है। नंबर 44। भुना हुआ लहसुन शिलाजीत का काम करता है। दरअसल इसमें एलिसिन होता है जिससे आप शारीरिक कमजोरी से बच सकते हैं। नंबर 45। अगर कब्ज की दिक्कत रहती हो तो रोजाना शाम के समय पपीते का सेवन करें। नंबर 46। बासी खाना खाने से दिमाग कमजोर होने लगता है और हाजमा भी खराब हो जाता है। नंबर 47। अगर खांसी ज्यादा हो तो मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो गला बैठ सकता है और बोलने में दिक्कत होने लगती है। नंबर 48। रात के समय चाय पीने से परहेज करें, वरना दिमाग कमजोर हो सकता है। नंबर 49। पथरी की दिक्कत हो तो नारियल पानी, नींबू पानी और सादा पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। नंबर 50। प्याज को पानी में डालकर उबाल लें, इसका रस पीने से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। नंबर 51। बेल के पत्ते पीसकर गुड़ मिलाकर गोलियां बना लें, उन्हें सुबह शाम खाने से वायरल फीवर में फायदा होता है। नंबर 52। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा रात भर भिगोकर रखें, सुबह इसे उबालें और चाय की तरह पिएं। इसके रोजाना सेवन से शरीर में से फालतू चर्बी निकल जाती है। इसे पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। नंबर 53। केला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसे खाली पेट खाया जाए तो इससे सेहत पर विपरीत असर पड़ता है और ये नुकसान कर सकता है। नंबर 54। शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण से कब्ज और एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। ऐसे में गुड़ और चने का सेवन करें, इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 55। सत्तू का थोड़ा सा ही सेवन करने से पेट भर जाता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करता है और बार बार लगने वाली भूख मोटापा बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में सत्तू ड्रिंक पीकर चुस्त दुरुस्त रहने के साथ आसानी से वजन भी कम कर सकते हैं। नंबर 56। एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल और हल्दी डालकर गरम रोटी को मूंछ पर बांधने से आराम मिलता है। नंबर 57। हल्दी को भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 58। गुड़ वाले चावल खाने से खांसी और गले की खराश में आराम मिलता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।